गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखो, ये मेरे गार्डन में ना ऐसी ना रंग बिरंगी बहुत सारी तितलियाँ आई हुई हैं। तो ये एक तितली है जो दरवाजे पे बैठी हुई है, और मैं इसके बिल्कुल पास से है ना वीडियो बना रही हूँ, और बहुत ही सुंदर लग रही है ये। ऐसी बहुत सारी तितलियाँ मेरे गार्डन में तो अभी गार्डन की थोड़ी सी सफाई करूंगी और यहाँ पर झाड़ू लगा के, और अंदर का के पोर्शन का सारा झाड़ू हो गया है तो फिर लगाऊंगी मैं वहाँ पे पोछा। तो यहाँ पे बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। चलिए, अभी बारी आती है खाना बनाने की, और आज एक खाना बनाने की ना बहुत बढ़िया ट्रिक्स बताती हूँ आप लोगों को। अब गैस पे मैंने रख दी है मिट्टी की हांडी, और इसमें है ना एक चम्मच डाल दिया देसी घी। अभी यहाँ पर जो चावल है ना, आज मैं मिलेट्स वाले राइस नहीं बना रही हूँ, तो मैं सिंपल राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो चावल है वो आधे घंटे पहले भिगो दिए थे धो के अच्छे से, और फिर इनका पानी बिल्कुल निकाल दिया था। अब यहाँ पर घी गर्म होने के बाद चावल हांडी में डाल दिए हैं। अब घी के साथ इनको पहले मैं अच्छे से भून लेंगी। कैसे भूनेंगे वो मैं आपको आइडिया बताती हूँ। जब चावल चिपकने बंद हो जाए ना, खिले खिले हो जाए, एक शाइन आ जाए, तो समझो जो चावल है वो भून चुके हैं घी में, और घी में ही भूनना है आपने, कोई किसी रिफाइंड ऑयल में नहीं भूनने हैं। तो अब यहाँ पर बस इतना पानी डाल दूँगी जितने में पानी चावल डूब जाए, यानी ज़्यादा, जैसे डेढ़ गुना पानी डालते हैं ना, तो यहाँ पर मैं डेढ़ गुना पानी नहीं डालूँगी, तो बराबर का जो है पानी वो डाला है। तो अब यहाँ पर सेम आँच करके और इसको ढक के और गैस पर रख दूँगी, और जब अध कच्चे हो जाएंगे ना, यानी 50% कुक हो जाएंगे ना, तब गैस को बंद कर दूँगी। और जो हांडी की जो अपना टेम्परेचर होता है ना, तो ये उसमें बहुत ही अच्छे खिले खिले बन जाएंगे। चलिए, अब दूसरी बारी आती है दाल बनाने की। तो यहाँ पर मैंने कुकर में 2 चम्मच छोटे देसी घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और लाल दाल और मूंग की दाल मैंने धो के और भिगो दी थी 10 मिनट पहले, और वो बिल्कुल उसका पानी निचुड़ चुका है। तो अब जो जीरा है वो क्रैकल होने के बाद प्याज और लहसुन बारीक चॉप कर रखे हैं चॉपर में, तो वो डाल देने हैं, और इसको अच्छे से भून लेना है कलर चेंज होने तक। और अब इसमें बारी आती है 1 बड़ा टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप कर रखा है, तो उसके तो उसको भी अच्छे से हम पका लेंगे। और इस मसाले को ना अच्छे से पका के दाल बनाओगे ना, देखो जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे दाल बना के देखना, बड़ी मस्त वाली दाल बनेगी, अलग ही लेवल का टेस्ट बन के आएगा इसका। तो अब टमाटर भी पक गए हैं, तो यहाँ पर बेसिक से मसाले डालूंगी, हल्दी और तीखे वाली लाल मिर्च डाल दी है, और इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब टमाटर और प्याज के साथ इस मसाले को भी अच्छे से भून लेना है,
जितने भी स्पाइसेस मैंने डाले हैं ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट आप कर सकते हो। और लाल मिर्च का यहाँ पर अगर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप हरे वाली मिर्च भी, तीखे वाली डाल सकते हो। चलिए अब इसमें डाल देते हैं दाल। और अब ये जो दाल है वो मैं चार बंदों के लिए बना रही हूँ, और चार बंदों के लिए मैंने राइस कुक किए हैं, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब तेज आंच पर इस जो मसाला पक गया है ना, इस दाल को मसाले के साथ भून लेंगे। और भून के जब ये दाल बनेगी ना, माशाल्लाह मस्त वाला टेस्ट आता है, कलर भी इतना बढ़िया आता, मैं आगे चल के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसको भी तेज आंच पे भून लेना है। भूनने का कैसे पता चलेगा, ये एक तो पैन से चिपकनी बंद हो जाएगी, दूसरा जो है ये खिली खिली बन जाएगी, तीसरा बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी, चौथा इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी भूनने की। तो अभी हाँ बीच में मैंने डाल दिया नमक, और ये सेंधा नमक था, आप जो भी खाते हो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, ये जो दाल है ना, ये लगातार चलाते हुए हमने भून लेनी है, जैसे हम किसी चीज़ को है ना रोस्ट करते हैं ना, हमने ऐसे ही इसको मसाले के साथ और घी के साथ इसको रोस्ट कर लेना है। और आप इस तरीके से ना, आप छोले बना सकते हो, राजमा बना सकते हो, कोई भी सब्जी बना सकते हो, और स्पेशली आप दाल बनाओगे ना, आप एक बार मेरे कहने से ना ऐसे दाल चावल बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट बन के आएगा। आप हर बार ऐसे ही दाल और चावल बनाओगे अगर एक बार ये ट्रिक आपने अपना ली तो। अब यहाँ पर देखो ये खिली खिली होगी ना, तो जैसे आप इसको भूनोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये अब चिपकनी बंद होगी है, और एक अलग ही लेवल की खिली खिली और शाइन वाली दाल होगी है। तो बस यहाँ पे हमने पानी डाल देना है, और कितनी पतली दाल चाहिए, कितनी आपने गाढ़ी दाल चाहिए, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट इसमें पानी कर सकते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी दाल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मलका और मूंग की दाल ली है, बाकी आप चने की दाल, उड़द की दाल, इवन कि आप किसी चीज़ की भी दाल ऐसे बना सकते हो, मिक्स दाल भी आप ऐसे बना सकते हो, तो वो तरीका यही होगा। तो अब इसमें पानी ऐड करके और कुकर की लिड लगा के और सिम आँच पे इसको रख देंगी। तो और सिम आँच पे ना दो विसल आने के बाद और फिर गैस को बंद कर देना है, और इसको अपने टेम्परेचर पे ठंडा होने देना कुकर को, और उसके बाद इसकी लिड खोल के और फिर आपने आगे का प्रोसेस करना है। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आगे चल के बताऊँगी। और यहाँ तक अगर व्लॉग देख लिया तो जाहिर सी बात है आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, ट्रिक्स आपको अच्छी लगे तो भाई चैनल पे है ना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर से करना। अब ये देखो चावल भी मैं दिखा देती हूँ, ये चावल भी 50% कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने गैस को बंद कर देना है, और पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि जितने चावल थे उतना ही मैंने पानी ऐड किया था। अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये 80% पकाने पड़ेंगे, तब जाके वो जो पानी है वो ख़त्म होगा। तो मेरे को 50% ही कुक करने थे, और अब इस स्टीम में और जो हांडी की आँच है ना उसमें अपने आप ही कुक हो जाएंगे, आगे चल के मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो डब्बे में है ना ख़त्म हो गई थी वो डालूंगी, यानी खंड ख़त्म हो गई थी वो डाल दी है, और ये पॉपकॉर्न बनाती हूँ ना तो जो भुट्टे के दाने होते हैं ना वो भी इसमें ख़त्म हो गए थे डब्बे में, वो डाल के रख दिए हैं। छोले ख़त्म हो गए थे तो वो भी पैकेट से निकाल के और वो भी डाल के रख दिए हैं। और सारे डब्बे, ये मेरे पास कॉफ़ी की बॉटल है तो ये कई सारी इकट्ठी हो रखी है, तो इसमें मैं डाल के रख देती हूँ, और कपड़े से साफ़ करके और तब मैंने वापस रख दी है। अब यहाँ पे ये जो देगी मिर्च है, ये कई बार सब्जी में ना कलर के लिए मैं ऐड करती हूँ, तो ये भी मसालदानी में भी ख़त्म हो रही थी और इस डब्बे में भी ख़त्म हो गई थी, तो साफ़ करके रख दिया था डब्बा और अब मैं फिल करके इसमें रख दिया है। अभी यहाँ पे कुकर खोलने की बारी आती है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दाल का जो टेक्सचर है। अभी यहाँ पे आपने ना थोड़ी जो मैनुअल जो रही होती है ना आपने उसको वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हो दाल को, देखो ना ये गाढ़ी है ना ये पतली है,
लेकिन बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए ना एक बार ये मैनुअल जो रही होती है ना या ये घोटनी बोलते हैं, इससे एक बार घोट लो इस दाल को तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। अब आप ये देखो क्या मस्त लग रही है। तो अब आती है इसके सेकंड तड़के की बारी, तो अब इसमें लगाते हैं बहुत ही बढ़िया वाला मस्त वाला तड़का। तो हमने एक लेना है पैन, और ये पैन भी मेरे पास आयरन का है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है एक छोटी चम्मच देसी घी, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, दो साबुत लाल मिर्च डाल दी है, और अब यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, और ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, और कड़ी पत्ता है। जब आप दाल को खाओगे ना, जब ये जो मिर्चें हैं ये जाड़ के नीचे जब आएंगे ना, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इनका। साथ में डाल दी हींग, और उसके साथ में डाल दी कलर वाली ये मिर्च, और मिर्च डालते ही गैस को कर देना बंद, नहीं तो कलर इसका ब्लैक हो जाएगा और कड़वा टेस्ट आएगा। अब इस तड़के को डाल देते हैं दाल में, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हींग की भी और देसी घी की, तड़के की बहुत ही मस्त वाली खुशबू आ रखी है। तो बस यहाँ पे आप धनिया पत्ती डाल सकते हो, कसूरी मेथी डाल सकते हो, और बस कुकर के लिड को बंद कर देंगे, और फिर जब खाएंगे तो फिर अपना सर्व करेंगे। अब ये देखो चावल भी कुक हो गए हैं और दाल भी बनके रेडी हो गई है। लग रही है ना कितनी मस्त वाली दाल। तो यहाँ पे धनिया डाल सकते हो, कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट करके वो डाल सकते हो, और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करना है तो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए ये दोनों तैयार हो गए हैं, तो बस अब यहाँ मेरा किचन का काम भी थोड़ा सा, दो चार बर्तन अभी भी साफ़ करके रखते होंगे, और मेरा किचन का काम भी फिनिश हो जाएगा। जब खाएंगे तब हमें ये खाना रेडी मिलेगा। तो आज मेरे को दूसरा काम है, देवरानी आएगी तो उसके साथ मेरा दूसरा काम है। तो अब यहाँ पे जो सेवियाँ तोड़नी है ना, वो आटा भी लगा के रख दिया है, यानी सूजी भिगो के रख दी है, और यहाँ पे जो कल मैंने सेवियाँ तोड़ी थी वो इस परात में है, तो ये भी सूख गई हैं, तो इनको इकट्ठा ही भून लेंगी मैं। चलिए हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोगों को? सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और टाइम में बता दूँ 11 बजने में 5 मिनट है, और काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट माने तो बस नहाना रह रहा है, और आज कपड़े धोने नहीं है, तो ये मौसम भी ख़राब रहा है, ऐसे ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, और अभी तक लन साहब नहा रही है तो फिर मैं नहाऊँगी, और आज देवरानी आएगी तो इसलिए काम मैंने पहले ख़त्म कर लिया। वो बोली थी दीदी 11 बजे आ जाऊँगी, तो अपना काम ख़त्म कर लेना, मैं कहा ठीक है। तो वो आएगी तो दाल चावल बना दिए हैं। पता है क्या है, जब मैं चावल बना रही थी ना तो तलन सा मेरे तो देख रहे थे, आज फिर चावल रंध कर दे पर कोई बात नहीं, उनके लिए ना मैं रोटी बना के रख देंगी, और बाकी मेरे से डेली डेली रोटी खाई नहीं जाती है, तो इसलिए दाल चावल दोनों बना दिए हैं। तो देवरानी आएगी तो वो भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे, तो ऐसा है। तो अभी मैं नहाती हूँ क्योंकि वो आने वाली है, 11 बजे का टाइम उसने मेरे को दिया था। तो अभी यहाँ पर देखो ये सामने वाले रूम में ना, दोनों साइड का दरवाज़ा बंद करके तब बैठे हुए थे हम, तो देवरानी आई हुई थी तो वो भी हेल्प कर रही थी मेरी, और यहाँ पर थोड़ा सा आटा रह गया था तो वो मैं सेवियाँ तोड़ रही हूँ। तो वो तो अब चली गई है क्योंकि उसके पति देव ऑफिस से आने वाले, मतलब ऑफिस से आने का टाइम हो गया, तो वो चली गई है, बस यहाँ थोड़ा सा आटा रह गया तो मैं वही तोड़ रही हूँ। और अब ये जो सेवियाँ है ना, देसी घी में भून के, और आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में रख दो, कभी भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आपका मन करे, थोड़ी मीठी मीठी सी भूख लगे, या कोई गेस्ट आया हो तो स्पेशल आपने बनाना हो, तो आपके पास देखो कोई चीज़ें हैं तो आप बना सकते हो, चीज़ नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। तो मैं पूरा एक साल का स्टोर, एक साल के लिए स्टोर करके रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर कुछ मैंने मेरी सिस्टर को देनी है, कुछ बेटी लेके जाएगी, तो कुछ फ्रिज में रखी रहेंगी, तो बेटे बेटा आएगा तो वो लेके जाएगा, तो वो ले जाएगा, नहीं तो फिर रखी रहेंगी। और जब भी जैसे छोटी छोटी भूख होती है तो मैं दूध में ही बना लेती हूँ, और तीखे वाली भी सेवियाँ बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, मैगी की तरह भी आप बना के खा सकते हो। तो ये है सूजी की, और जैसे मैदा वगैरह की भी तोड़ते हैं तो मैदा अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती, तो सूजी की है ये, सूजी की ही मैं सेवियाँ तोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आटा रहता था तो इसलिए मैंने कहा इसको भी मैं फिनिश करके तभी मैं अंदर जाऊँगी,
और अभी आज पूरा दिन चला गया बारिश होते, एक बार इतनी तेज़ बारिश आती फिर थोड़ी डाउन हो जाती फिर पूरी तेज़ बारिश आती तो पूरी गली में पानी पानी हो गया था। तो पर ये हमारी कॉलोनी इतनी बढ़िया है कि कितनी भी तेज़ बारिश हो यहाँ पर पानी रुकता नहीं है, साथ साथ है ना पूरी गली एकदम साफ हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं ये सेवियाँ ही तोड़ रही हूँ। तो आज का काम हो गया सारा फिनिश और आज अभी टाइम कितना हो गया, शायद 9:30 हो गए होंगे और आज पूरा दिन हो गया बारिश चलते चलते और काफ़ी तेज़ बारिश आज। और आज हमने ना मैंने बहुत सारे सेवियाँ तोड़ी आज बाहर वाले रूम में बैठकर, दोनों साइड के दरवाजे जो हमने सामने ना वो दरवाजे खोले थे, ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत सारे जवे तोड़े हैं। और दाल चावल बनाए थे, अभी बस थोड़े से वही खाए थे तो अभी दूध गर्म करके आई हूँ तो वो पीऊँगी और बाहर वाले रूम में सोऊँगी तो वहाँ पर ना बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है तो शायद ठंड भी लगेगी रात को, तो ऐसा कुछ करके है। और तलन साहब तो लेट भी गए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से विदा लेने के लिए यहाँ आई हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई ऊर्जा के साथ एक और नए दिन में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का आगमन समझो हो गया है। बाय बाय।